13 अप्रैल साल 1919 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी एक प्रमुख घटना जलियांवाला बाग गोलीकांड हुआ था। यह जघन्य हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली घटनाओं में से एक था। यह गोलीकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में हुआ। उस दिन जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता रोलेट एक्ट के खिलाफ भाषण देने वाले थे। उसी समय वहां अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने बिना कारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी। लगभग 10 से 15 मिनटों में कुल 1650 राउंड गोलियां चली। इस घटना पर मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता वाली एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 500 से अधिक लोग इस जघन्य गोलीकांड में शहीद हुए। यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। तेरह अप्रैल साल 1948 को भुवनेश्वर शहर को ओडिशा राज्य की राजधानी बनाया गया। इससे पहले साल 1936 में बने ओडिशा राज्य की राजधानी कटक थी। आधुनिक ओडिशा राज्य की स्थापना कटक के कनिका पैलेस में हुई थी, जिसके बाद 1948 तक ब्रिटिश काल के दौरान कई शासकों ने इस शहर को राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया। ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। इस राज्य को बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया। राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओडिशा, जिसे पहले उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता था,